वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मैं एक काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, बिकॉज होली जा चुकी है और आप सब ने होली में जम के खाया होगा, चाहे जितना भी आप वेट मैनेजमेंट वाले हों, चाहे जितना वेट लॉस के प्रोसेस में हो, क्योंकि मैंने खुद खाया है। और उस गंदगी को आपको कैसे निकालना है, उस भी जो मैदा आपने खाया है, जो भी शुगर आपने खाया है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें, चाहे आपने बेक्ड गुजिया खाई है लेकिन फिर भी उसमें मैदा था, उन सारी चीज़ों को आपको बॉडी से कैसे निकालना है ताकि आप काफ़ी लाइट फील करो, ताकि आपको वेट गेनिंग की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, आपने भी ऐसा देखा होगा कि जब आप जंक फूड या मैदा वाली चीज़ें खाते हैं तो आपको तुरंत उसका जो है इफेक्ट नहीं दिखता है, 2 से 3 दिन बाद आपकी वेइंग मशीन पे आपका वेट आता है, तुरंत आपको नहीं भी आएगा। तो अभी उस वेइंग मशीन पे आपका वेट बढ़ने से पहले क्यों ना उस वेट को हम बॉडी से बाहर निकाल दें। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिर्फ 3 दिन करना है और उसके बाद देखेंगे जो भी आपने खाया है उसे आप फटाक से अपनी बॉडी से निकाल दें। यानी कि मैं यही बोलूँगी, जी भर के खाया है, अब उसे जी भर के बॉडी से निकाल दीजिए ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो और ताकि आप बिल्कुल भी आलस ना फील करो। क्योंकि ऐसा होता है आफ्टर फेस्टिवल, हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बिकॉज हमने इतना सब खाया होता है और जब हम वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं और इन सब चीज़ों को नहीं कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे चली जाती है। इसीलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे न्यू चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, बिकॉज मैं वहाँ हेयर केयर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड माई ब्लॉग्स, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप उठाइए यहाँ पे 1 कप पानी एंड 1 स्टिक सिनेमन टी और इसे अच्छे से बॉयल होने दीजिए। जब पानी हल्का सा गुनगुना हो जाए तब आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसे धीरे गैस पे ढक कर आपको 2 से 3 मिनट तक पकाना है, यानी सारे एक्सट्रैक्ट इसमें आ जाए। तो मैं इसे ढकती हूँ और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही बॉयल होने देती हूँ। दो से तीन मिनट तक हो चुके हैं और हम इसे खोलेंगे और हमारी जो टी है वो पूरी तरह से पक चुकी है और बन चुकी है। इसके बाद अब हम इस चाय को स्ट्रेन कर लेंगे और 3 दिन तक 3 कप आपको इस टी को लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद एंड डिनर के बाद। होली की जितनी भी गंदगी है आपकी बॉडी से पूरी तरह से निकल जाएगी। फ्रेंड्स देखा, बहुत ही आसान सा तरीका है और जिंजर आपकी बॉडी से जितनी भी गंदगी है, जितनी भी मैं बोलूँ स्वेलिंग आपको दे गई है, थायराइड पेशेंट को जितनी खाने की वजह से स्वेलिंग दे गई है, उन सारी चीज़ों को ये बाहर निकालेगी और यकीन मानिए काफ़ी अच्छा सा आपको इसका इफेक्ट आएगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और जैसा भी रिजल्ट हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा और मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।